जय श्री दास। 90 के दशक में इनका राजनीति में एक अलग ही जलजला था। बाकी बड़े नेताओं की तरह इन्होंने भी अलग झारखंड का सपना देखा और उसे साकार होते हुए भी देखा। गुरुजी, सूरज मंडल, शैलेंद्र महतो, सूर्य सिंह बेसरा, विनोद भगत, देव शरण भगत, साइमन मरांडी जैसे सरीखे कद्दावर नेताओं के साथ मार भी खाई, जेल भी गई, लेकिन कभी इन्हें दर्द नहीं हुआ। हमेशा दिन दुखियों के लिए लड़ती रही और उनकी आवाज बनती रही। इंसान होने के नाते इनका दिल भी धड़का और फिर हो गया इन्हें भी इलू इलू एक सरकारी अफसर के साथ। सात फेरे लेने के बाद साहब अचानक गायब हो गए। मामला थाने से कोर्ट तक पहुंच चुकी है। इलू इलू कैसे इनकी परेशानी का सबब बन गया, आइए सुनते हैं जयश्री दास से कि वो इतनी दुखी क्यों है। ये इलू इलू क्या है? ये इलू इलू है, 90 का दशक में जब झारखंड आंदोलन चरम सीमा पर था, उस समय हम लोग अफसरों का बीच जाते आते थे, आंदोलन करते थे। उसी समय एक अफसर जो कि उनका नाम हुआ अनिल कुमार, साकारता प्रसार पदाधिकारी विकास भवन में थे, उन्हीं से मेरा मुलाकात हुआ। मुलाकात का बाद उन्होंने हमको विश्वास दिलाया जो तुम्हारा ही जैसा लड़की हमको चाहिए और तुम्ही से हम शादी करना चाहते हैं, तुम्हारा बारे हम सब कुछ जानते हैं। दोनों बच्चा को बोला जो हम देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम तुम्ही से शादी करेंगे। डिवोर्स फाइल किए, मेरा 1999 में डिवोर्स ख़त्म हुआ। उसका बाद हमने उनसे 2000 में दुर्गा मंदिर मेन रोड में शादी की। 1 मार्च 2019 में उनका रिटायरमेंट हुआ और उनका बाद ही वो यहाँ से गायब हो गए। उनका अभी तक कोई अता पता नहीं है वो कहाँ है। तो इतना खुशहाल जिंदगी आपकी गुजर रही थी, तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि उनका मन बदल गया? वो जहाँ भी पोस्टिंग जाते थे हमको लेके ही जाते थे, मेरे लिए सारा चीज़ करते थे, लेकिन उनका जो भी आज जो भी हो रहा, संपत्ति का लड़ाई है, केस हुआ लेकिन एकदम साधारण केस हुआ जो कि उसको नहीं होना था उस तरह का केस। उसमें अपहरण का धारा लगना चाहिए था, लेकिन उन लोग का एकदम नॉर्मल 323, 324 इस तरह से करके उन लोग को बेल भी हो गया है। और पुलिस का कहना है हम लोग अब क्या करेंगे, अब पुलिस तो केस करने के लिए तैयार ही नहीं था। उसको तो हम जब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, यहाँ मुख्यमंत्री सबों को जब लिखे, जब फिर सूचना का अधिकार में हम मांगे, जब मेरा केस इतना दिन पहले हम किए हैं तो अभी तक क्या हुआ, उसका बाद ही मेरा केस दर्ज हुआ। जब मेरा पति मिला नहीं और इन लोग का बेल हो गया, जब हम खोजने जाते हैं, पटना भी खोजने जाएंगे जब भी, तो वो लोग मेरा साथ मारपीट करता है। इनका आदत है, जब ये अपना बहन लोग के पास चल जाएगा या छोटा भाई का बहू के पास, उसका बाद मेरा से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। जब हम इनको लाने जाते हैं, वही रूपांजलि देवी उसको आने ही नहीं देना चाहता है, भैया जा रहे हैं, भैया मत जाइए, मेरा सामने भी बोलते हैं भैया मत जाइए, भैया मत जाइए। उन लोग के साथ क्या संबंध है हम नहीं जानते। जो यहाँ भी शायद 1.5-2 लाख रुपया वो दे चुके हैं, इसीलिए मेरा जो कानूनी जो कार्रवाई होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा। आप थाना गए तो क्या हुआ? हम थाना गए तो थाना में तो वो लोग बोल रहा जो नहीं जाइए, आप जाके लाइए। जब हम वहाँ जाते हैं, मेरा मारपीट करता है, हमको बोलता है मर्डर करके फेंक देंगे, तो हम नहीं ना जा सकते हैं वहाँ, जाएगा थाना ही जाएगा। तो अनिल कुमार को जो बंधक बना के रखा है, उन लोग से उनका संपर्क है, इसीलिए मेरा पति आज तक मेरा पास नहीं आया। यदि मेरा पति का आने का इच्छा नहीं था, कम से कम रांची तो आता, प्रशासन के पास तो आता, प्रशासन से तो बोलता जो नहीं सर हम यहाँ नहीं रहेंगे। और जब जाके पुलिस उन लोग को बात करता है, थोड़ा सा डांटता है, तो एक लेटर भेज देता है जो नहीं, जय श्री दास मेरा दाई है, जय श्री दास मेरा बीवी नहीं है, जो कि सर्विस बुक में भी नाम दिया गया है। मेरा सर्विस बुक में उनका साथ मेरा फोटो भी है, जो कि वो छोटा भाई का भी नाम दिया। छोटा भाई का नाम क्यों दिया, इसमें तो साजिश है। बैंक खाता खोलवा दिया उनका भैगना का नाम से। हम जब झारखंड आंदोलन का लड़ाई लड़ रहे थे, हेमंत ये लोग बच्चा था, लेकिन हम हेमंत सरकार को लेटर लिखे हैं और जाएंगे तो हमसे वो मिलेंगे भी।
शिबू शरण का साथ भी जब कोई नहीं रहता था, हम खुद अकेले रह के लड़ाई किए हैं हम लोग। लेकिन लेटर देने के बाद भी जिस तरह का मेरा केस होना चाहिए था, एक अपहरण का, एक बंधक का केस होना चाहिए था, उस तरह का केस नहीं हुआ। जब मेरा साथ इस तरह का हो रहा तो झारखंड का और महिलाओं के साथ क्या होता होगा। तो आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से हम यही चाहते हैं, मेरा पति को लाके हमको सबूत करा। किसको आप कारण मानते हैं कि आपके पति को बंधक बना के रखा गया, आपसे मिलने नहीं दिया जा रहा है? मेरा पति को बंधक बना के रखने का कारण जो हम मान रहे हैं वो रूपांजलि देवी और अनुज, और इधर धनबाद में बीना देवी और विनोद कुमार गुप्ता और मनीष और विवेक शानू, यही चारों। यदि हम लोग दोनों मियाँ बीवी बढ़िया से रहेंगे उन लोग को अच्छा नहीं लगता है। हम लोग एक रूम में भी, यदि हम कभी पटना जाते हैं एक रूम में भी रहते हैं तो वो जो रूपांजलि देवी उसको बिल्कुल पसंद नहीं है जो हम लोग एक साथ रहें। 6 आदमी का चलते आज मेरा पति जिंदा है कि मर गए हैं हमको कुछ पता नहीं। उन्होंने मिल के उनको कहाँ गायब किया, क्या किया, हम लोग को हमको पता नहीं है। कभी आपसे संपर्क करने का कोशिश किए? नहीं, वो हमसे कभी संपर्क करने का कोशिश नहीं किए हैं। हम पटना गए थे बीच में, हम उन लोग को समझा के आए थे जो तुम लोग भी अच्छा से रहो और हम लोग को भी अच्छा से रहने दो। लेकिन उसका कहना था ना हम खुद रहेंगे ना तुमको रहने देंगे, तुमको तो हम सिखाएंगे। वो खुद मुंह पर बोलती है रूपांजलि देवी। जब हम उनको समझाते हैं जो देखो हम लोग बड़े हैं तुमसे, तुमको इस तरह का नहीं करना चाहिए, लेकिन वो क्या करेगी, हमसे मारपीट करेगी, गाली गलौज करेगी और बोलेगी तुम तो इनसे तो तुमको रहने ही नहीं देंगे। मेरा संपत्ति हड़पने के लिए, हम लोग का पटना में 4 मकान है, इनको अभी रिटायरमेंट में जो पैसा मिला है वो 4 पेंशन भी मिल रहा है इनको, वो 4 सब चीज़ हम हड़प लें। रिटायरमेंट में उनको मिला है 60 लाख से ज़्यादा ही मिले और पेंशन मिलता 50,000। एक दिन हम सारा महिला लोग को काम करते थे, सहारा देते थे, अभी भी देते हैं, लेकिन आज हमको दवा के लिए भी दिक्कत हो रहा है, जो कि हम शुगर का पेशेंट है, थायराइड है मेरा, फिर भी हमको दवा नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा, खाने तक में हमको अभी थोड़ा दिन में दिक्कत हो रहा। 1.5 साल से हम परेशान है प्रशासन का पीछे। प्रशासन को हम 1/4/2000 में हम कंप्लेन किया, आज सोचिए इतना दिन हो गया, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। उन लोग का तो सारा परिवार एक साथ है, इनका पैसा है, इनका पैसा को उन लोग यूज कर रहा और उन लोग लड़ रहा सब जगह पैसा देके। देखिए मामला सदर थाना का है जिसमें कि एक कांड दर्ज किया गया, जहां तक विक्टिम का यह कहना है कि कांड CM या PM के इंटरवेंशन से दर्ज हुआ है तो ये बिल्कुल ही गलत है। ये उनके द्वारा अलग अलग जगहों पर पत्राचार किया गया था और कांड थाना में दर्ज किया जा चुका है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी समस्या नहीं। जहां तक धाराओं की बात है तो जो भी आवेदन में लिख कर दिया गया और जो भी अनुसंधान के क्रम में तथ्य आए हैं उस हिसाब से धारा में परिवर्तन किया जा सकता है और जो भी अनुसंधान में आएगा उस हिसाब से हम लोग अग्रतर कार्रवाई भी करेंगे। हमारी तरफ से ही बात है कि जो भी विक्टिम है उनको हतोत्साहित होने की बात नहीं, जो भी सही होगा वह कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी।